हमने कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान महादेव जी का दो प्रकार का कृपा होता है, एक कपट कृपा और एक निष्कपट कृपा। कपट कृपा वो है जो असलियत में जो महादेव जी के पास जो कृपा है वो छुपा कर कुछ ऐसा कृपा करना जो टेम्पररी है, उसको कपट कृपा कहते हैं और वो खत्म होने वाला है। भौतिक इच्छा, जैसे हमने कल चर्चा किए थे दो उदाहरण लेके, एक वृक्रासुर हुआ, उसने महादेव जी को मांगा मैं जिनके भी सर पे हाथ रखूं भस्म हो जावे, और अंत में उसका गति हुआ मृत्यु। और एक तरफ हुआ नरसिंह मेहता जी, जिन्होंने भगवान को महादेव जी को मांगे आपका सबसे जो प्रिय है वो हमें प्रदान करें। तो आज भी नरसिंह मेहता को पूरा दुनिया में जानते हैं लोग, यह तो इसके लिए भक्त असलियत में जानते हैं कि किस प्रकार से महादेव जी से क्या मांगनी चाहिए, है कि नहीं। और महादेव जी सबसे प्रसन्न तब होते हैं जब उनको कृष्ण भक्ति कोई मांगता है, सबसे प्रसन्न। तो यस, तो हमने कल ये चर्चा किए और महादेव जी बहुत सारे जिम्मेदारियां ले रखे हैं, सिर्फ ले रखे नहीं है, वो जिम्मेदारियों को निभाते भी है। हमने भी बहुत सारा जिम्मेदारी ले तो लेते हैं मगर उसको निभा नहीं पाते हैं। मगर महादेव जी ऐसे नहीं है, महादेव जी जिम्मेदारी को लेते हैं और उस जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं सही सही तरीके से। तो यही देवता होते हैं, देवता जो होते हैं हमारे जैसे आलसी नहीं होते हैं, लेजी पर्सन नहीं, देवता बड़े एक्टिव रहते हैं। वहां भूख लगा तो खैर हमने और कुछ चर्चा करेंगे और मुझे पता है आज पूरा नहीं होगा, हम और इस चर्चा को पूरा धीरे धीरे करते रहेंगे। तो एक बहुत सुंदर घटना है वो मुझे याद आ गया, क्योंकि ना महादेव जी कौन सा चीज देते हैं मुख्य रूप से। तो ये घटना आपने सुना ही है, एक व्यक्ति था वो महादेव जी का उपासक थे और उन्होंने महादेव जी का आराधना किए और महादेव जी प्रसन्न, जानते हैं महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। और एक बार एक मंदिर में चोर घुसा, महादेव जी का मंदिर में, और महादेव जी का शिवलिंग के ऊपर है ना सोने का वो था लोटा जिसमें पानी टपक रहा, तो उसने महादेव जी का शिवलिंग के ऊपर चढ़ के सोने का उसको निकाल रहा था। महादेव जी प्रकट हो गए सामने, बोले बस प्रसन्न में क्या चाहिए मांगो। ये कंफ्यूज है, आप क्यों प्रसन्न हुए भाई, आपने तो चोरी करने आया था, समझ में नहीं आ रहे, आप कैसे प्रसन्न हुए। बोले कि लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते, तू अपने आप को ही चढ़ा दिया इसलिए मैं बहुत प्रसन्न मांग। हे महादेव जी, देखिए महादेव जी अवगुण देखते नहीं, गुणों को देखते हैं, हम लोग अवगुणों को देखने में माहिर है, अवगुणों को ढूंढने में माहिर है, हमको ढूंढने का भी जरूरत नहीं, हमको दिख ही जाता है। हमको दिख जाता है वैसे ही, और कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छे भक्त क्यों ना, उसमें से भी हमको अवगुण दिख जाएंगे। मगर जो वैष्णव होते हैं वो अवगुणों को उनको दिखता ही नहीं है, उनको सिर्फ गुण ही दिखते हैं। हमको सिर्फ अवगुण ही दिखते हैं, वैष्णव को सिर्फ गुण दिखते हैं। और महादेव जी जब वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव हैं तो उनको तो 100% गुण ही दिखेंगे, अवगुण तो दिखेंगे। तो वैसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति भी महादेव जी के पास जब आता है, महादेव जी उनको कृपा करते हैं, उनको उद्धार कर। तो खैर सी महादेव जी ने के आराधना किया तो महादेव जी प्रसन्न हुए ब्रज में। तो महादेव जी बोले क्या चाहिए आपको। बोले कि प्रभु मुझे खूब धन चाहिए, मुझे खूब धन चाहिए। तो महादेव जी धन चाहिए, ये मेरे पास आया धन के लिए, जाओ मेरा एक महान भक्त है, मेरे नहीं भगवान के महान भक्त है, यमुना तट में बैठते हैं भजन करते, उनके पास उस जाके मांगो अगर धन चाहिए। उनके पास एक, इन्होंने बता भी दिया, उनके पास एक पत्थर है, मणि है, वो मणि आप ले लेना, वो मणि स्पेशल मणि है महात्मा जी के पास, और वो पत्थर जिनको भी स्पर्श कराओगे वो लोहा सोना हो जाएगा। ये बड़ा प्रसिद्ध घटना है, आप सब सुने होंगे, सनातन गोस्वामी जो यमुना के तट पर बैठ के कहां पर द्वादश आदित्य टीला में बैठकर भजन करते थे, ये आया ये व्यक्ति,
प्रणाम किया और सनातन जी बोले कि क्या हो गया, क्या चीज? बोले कि मुझे महादेव जी ने भेजा और आपके पास एक अमूल्य पत्थर है, मणि है, वो मणि मुझे चाहिए, ले जाओ वहां पड़ा हो। बोले वहां पड़ा है, ले जाओ। ये देखो महादेव जी का कृपा हुई थी। उसने गया, कहाँ पड़ा हुआ है? वो कूड़े में पड़ा हुआ था, कूड़े से उठाया। प्रसन्न बहुत था मगर कंफ्यूजन भी था। बोला ये महाराज जी ने इतना मूल्यवान पत्थर को कचड़े में क्यों डाल रखा है? प्रसन्न तो था, चलो सोना बनाऊंगा खूब, मगर कंफ्यूजन भी था कि कहाँ से मिला। तो खैर उसने गया, बहुत सारे धन कमाया, पर उसके मन में एक बेचैनी थी, एक टेंशन था, एक प्रश्न था कि महाराज ऐसे क्यों डाला। वापस आया कुछ दिनों में, बोले महाराज इससे कोई बड़ा चीज आपके पास है वो मुझे चाहिए, नहीं तो आप इसको कूड़े में क्यों डाल रखा है? 100% आपके पास इससे कोई बड़ा चीज होगा तब इसको आप ध्यान में दिया होता है ना। कोई उच्च स्वाद मिलता तो निम्न स्वाद को हम छोड़ देते हैं। बोले आपके आपके पास कोई बड़ा धन है, इससे भी बड़ा धन है, मूल्यवान। बोले सच में आपको चाहिए? बोला बिल्कुल चाहिए महाराज, मुझे वही चाहिए। महादेव जी ने मुझे गलत चीज बता दिया है, आपके पास जो धन है वो दो। बोला चलो ठीक है, वो मणि कहाँ है? पारस मणि था, वो तो घर पे, उसको लेके आओ, आपको चाहिए ना ये धन? हाँ, ले आया। बोले इसको यमुना में फेंको, पे यमुना में फेंका। तब उनको सनातन गोस्वामी ने झोली माला पकड़ा दी। बोले ये देखो, ये भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महान भक्त हुआ भगवान का, और महादेव जी भी बड़े प्रसन्न है। इस प्रकार से महादेव जी का असली कृपा वो है उनको कृष्ण का भक्ति दे, असली कृपा। नकली कृपा कौन सा है? भौतिक संसार का कोई भी वस्तु महादेव जी देते हैं, महादेव जी सक्षम है, उत्तम सक्षम है, मीन्स वो सब कुछ दे सकते हैं महादेव जी, मगर महादेव जी प्रसन्न तब होते हैं, वो असली कृपा तब करते जब वो कोई भगवान का भक्त। खैर हमने ये कल चर्चा किए थे, तो और भी आज कुछ लीलाओं का हमने चर्चा करेंगे। तो महादेव जी का एक विशेष सेवा भगवान ने दिया, कल हमने एक चर्चा किए थे, भगवान ने उनका एक सेवा दिए थे कि जो तामसिक तमोगुण में जो रहते हैं जो जीव, उन लोगों का आप उद्धार करो, उनको भगवत भक्ति में ला, उनको नाम जप करो। महादेव जी का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या? वही काम है उनका, महादेव जी का। पहला, हमेशा निरंतर भगवान की नामों को जप करना। दूसरा, महादेव जी जब भी समय मिलता है भागवत को सुनाना, सुनना। तीसरा, जब भी अवसर मिलता है वैष्णवों का खूब सेवा करना। ये महादेव जी का तीन मुख्य कार्य है। आप समझ रहे हैं, जो महादेव जी को प्रेम करते हैं वो तो ये सीख जाइए इनसे, है ना। हम जिनको प्रेम करते हैं हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, है कि नहीं, उनके अच्छे गुणों को लेना चाहते हैं। महादेव जी के पास तो सब कुछ अच्छे गुण है, मगर मुख्य तीन गुण है, हर एक भक्तों को या महादेव जी का भी जो उपासक है उनको ये सीख जाना चाहिए, भागवत को हमेशा पढ़ना। दूसरा, वैष्णवों का सेवा का अवसर मिले तो जरूर करना। तीसरा, भगवान नाम का निरंतर जप करना, कीर्तन करना, महादेव जी करते हैं। और महादेव जी बड़े रमते हैं इसमें, नाम जप में रमते हैं, कथा, और जब शुरू करते हैं खत्म करने का नाम नहीं लेते। हम लोग कैसे, हम शुरू करते हैं और खत्म भी जल्दी करना चाहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र मेरा 16 माला हो जाए तो दूसरा भी काम करूं, घर संसार भी हमारा। मगर महादेव जी ऐसे नहीं है, ना पत्नी का ख्याल करते हैं, ना दो बेटों का ख्याल करते, कोई ख्याल नहीं, अपना अपना देखिए, टेंशन ही नहीं। उनको पता है हरि, भगवान हरि है, वो सबको रक्षा करेंगे, भरण पोषण करेंगे, मैं कौन होता हूं? महादेव जी जानते हैं, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, महादेव जी को पता है भगवान है, सब सबका भरण पोषण करते तो सबका करेंगे, हमारी पत्नी का भी करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, है कि नहीं। हम लोग टेंशन बाजी में घूमते, कैसे पालो, कैसे पालो बच्चों को, पत्नी को, घर को, है कि नहीं। नहीं तो करनी चाहिए, पर महादेव जी जैसा भजन में भी लगना चाहिए। अच्छा, तो महादेव जी के पास बहुत सारा सेवाओं में और एक विशेष सेवा है, धाम रक्षक। उनको एक जिम्मेदारी दी है भगवान ने, धाम रक्षक, धाम को रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? सोचिए कितना बड़ा जिम्मेदारी है,
भगवान अपना धाम को संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो महादेव जी को सौंप दिए। यानी वो धाम में प्रवेश करने से पहले महादेव जी का परमिशन चाहिए। कोई भी धाम में आप जाते हैं, भगवत धाम में, भगवान के धाम में, तो वहां आपको परमिशन किनका चाहिए? महादेव। वैसे आप गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं तो सदाशिव है ना, सदाशिव जी का धाम है, सदाशिव का धाम है, महादेव जी का धाम होके आपको जाना है, उनको परमिशन लेके ही जाना है, धाम रक्षक है। तो भगवान कृष्ण का परम धाम ब्रज वृंदावन है कि नहीं? तो ब्रज वृंदावन में भगवान कृष्ण नित्य लीलाएं करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, भगवान ने वृंदावन छोड़ के एक कदम भी आगे बाहर नहीं जाते, वृंदावन छोड़ हमेशा ब्रज में रहते हैं। और भगवान महादेव जी हमेशा ब्रज को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ महादेवों का हम चर्चा करेंगे जो ब्रज में बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो महादेव जी वहां लीलाएं करते हैं। तो मथुरा में महादेव जी भूतेश्वर महादेव, मैं कुछ महादेव जी का नाम लूंगा, आप उसको नोट कर लेना या याद कर लेना। भूतेश्वर महादेव कहाँ पर है? मथुरा में। तो वैष्णव में ये परिपाटी चली आई है कि ब्रज में प्रवेश करने से पहले लोग भूतेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके फिर ब्रज में प्रवेश करते हैं। हम मथुरा होके ही जाना पड़ता है, हम प्रवेश करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, तो उन्होंने भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर में जब आए, उनको परमिशन लिए, वहां उदंड कीर्तन करके महाप्रभु नाचने लगे भूतेश्वर महादेव के साथ। कृष्ण महादेव दोनों एक दूसरे का घनिष्ठ प्रेमी है। कृष्ण कहते हैं मेरा इस संसार में सबसे बड़ा मित्र कोई है, प्रेमी कोई है, वो महादेव है। और महादेव जी कहते हैं मेरा इस संसार में कोई घनिष्ठ शुभ चिंतक है, प्रेमी है, तो वो भगवान कृष्ण है, प्रभु रामचंद्र है। इस प्रकार से आप अगर आज भी कभी जाओगे वृंदावन में, तो मथुरा में यमुना के तट पर विश्राम घाट के पास यमुना के तट पर भूतेश्वर महादेव जी मथुरा मिलेगा। और मथुरा में कुछ महादेव जियों का नाम है, कुछ महादेव जी है, पिपलेश्वर महादेव है, रंगेश्वर महादेव है, और गोकर्णेश्वर महादेव है। ये मथुरा में और भी महादेव है, ये पूरा मथुरा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी पूरा ब्रज को चारों तरफ से, अभी मथुरा में कौन महादेव आगे? भूतेश्वर महादेव। तो आगे चलते वृंदावन, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव है। कौन है? बड़े प्रसिद्ध है ना गोपीश्वर महादेव, आप सब नाम सुने गोपीश्वर महादेव। हाँ, तो एक बार भगवान महादेव जी का इच्छा हुआ, इच्छा नहीं, वो तो बैठ के नाम जप रहे थे अपने कैलाश धाम में। तो नाम जपते जपते उनको भगवान का मधुर बांसुरी सुन धुन, वेणु माधुरी, वेणु का धुन उनको सुनाई दिया बड़ा। तो कहां से आ रहा है करके उसको सुनते सुनते, गौर करते करते, सुनते सुनते गए, पहुंच गए वृंदावन में। वृंदावन में पहुंच गए कहां? जहां रास मंडल है, जहां रास होती है भगवान का, उस रास कुंज के बाहर पहुंच गए। तो बोले कि अंदर जानी है, तब रोक दिए गोपियां, रुको रुको रुको, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले नहीं, अंदर जाना है, अंदर सिर्फ एक ही पुरुष होगा, बाकी सब स्त्रियां हैं, सब गोपियां हैं, एक ही भगवान कृष्ण जो है पुरुष है, तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो महादेव जी बोले कि मुझे तो जाना है, अंदर जाना है, प्रभु का दर्शन करनी है। बोले ये अंदर रासलीला होती है, बोले तब तो पक्का जानी है, रासलीला का दर्शन करनी है मुझे। महादेव जी बोले कि आप रासलीला का दर्शन नहीं कर सकते महादेव, तो कुछ तो उपाय बताओ। बोले कि ये पुरुष रूप छोड़ना पड़ेगा आपको, गोपी बनना पड़ेगा, मंजूर है? बोले कि कुछ भी मंजूर है, बस मुझे जाना है, भगवान का दर्शन करनी है, रासमंडल, रासलीला। तो तब उनको महादेव जी को जो है, हाँ, उनको बोले कि हे महादेव, आप क्या करो, मानसरोवर, आप मानसरोवर में जाओ, वहां डुबकी लगाओ, तो आपका
आप स्मरण करके कृष्ण को, आपका रूप क्या हो जाएगा, गोपी स्वरूप हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। तो महादेव जी मानसरोवर कर गए, वहां डुबकी लगाए है, प्रभु मुझे गोपी बना दो। मानसरोवर में डुबकी लगाए, जब बाहर उठे सुंदर गोपी हो गए थे, बहुत सुंदर महादेव जी, और गोपी का ड्रेस सब एकदम पूरा गोपी। तो तब उनको प्रवेश दिया गया, मगर अनुभव था नहीं रास रासलीला का। कभी कभी होता है ना कीर्तन में भी हम लोग को अनुभव नहीं होता है, कोई नया व्यक्ति होता है वो दूर ही खड़ा रहता है, पता नहीं किसका तमाचा लग जाए कीर्तन में, ऐसे घूमते ही भक्त लोग कीर्तन में मुर्दन करताल बजाते ऐसे घूमते, आप संडे को देखो कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ कूद रहा है, तो कोई कोई नया लोग तो कोने में रहते हैं यार, कहीं किसी का तमाचा ना लग जाए। तो ऐसे इनका महादेव जी का अनुभव नहीं था, एक कोने में से खड़े हाथ जोड़ के बाकी लीला हो रही रास में। तो भगवान का नजर पड़ा महादेव के ऊपर, नजदीक आए, बोले महादेव जी प्रणाम, महादेव जी प्रणाम किए। तो गोपी आश्चर्य हो रही, ये कुछ नया गोपी नहीं लग रहा है, इसको कभी नहीं देखा हमने रासलीला में। बोले कि ये गोपी नहीं है, ये स्वयं महादेव है, ये मेरे प्रिय अति प्रिय भक्त हैं। आज इन्होंने देखिए मेरा दर्शन करने रासलीला देखने के लिए गोपी भी बनने को तैयार हो गए। इस संसार में कोई भी अपने स्तर से गिरना नहीं चाहता है, कोई भी अपना स्तर से, बॉस है तो बॉस ही बनना चाहता है, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बनना चाहता है कि नहीं है, राजा है तो राजा ही बनना चाहता है, नीचे उतरना नहीं चाहता है कोई। बोले महादेव जी इतने सरल हैं, इतना प्रेमी है, मेरे लिए मेरे दर्शन के लिए कुछ भी कर सकते, ये मेरे दर्शन के लिए कैलाश छोड़ के आए हैं, मेरे दर्शन के लिए अपना नाम भजन छोड़ के आए हैं, मेरे दर्शन के लिए अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ आए हैं, इसके लिए मेरे बहुत प्रिय हैं। ये भक्तों का एक महान गुण होता है, क्या है, वो भगवान के लिए संसार में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये भक्तों का स्वभाव। बोले मत मोर प्रेमी, ये महादेव जी, हाँ महादेव। तो सारे गोपियां बोले महादेव जी, महादेव जी हाँ आप यही रहना, मत जाना वापस। तो महादेव जी को भगवान ने बोले कि मैं महादेव जी को जिम्मेदारी देता हूँ, ये जो रास लीला मंडल है, क्षेत्र है, इसका प्रोटेक्शन ये देंगे, आज से गेट कीपर ये होंगे, ये अंदर कौन प्रवेश करेगा नहीं करेगा डिसाइड कौन करेंगे, आज से महादेव करेंगे। तो यानी हे गोपियां, आज से जो भी रास लीला में आना चाहेंगे महादेव जी का परमिशन पहला चाहिए। तो आज भी गोपीश्वर महादेव जी वृंदावन में है, आज भी रासलीला में प्रवेश करने से पहले गोपियां किनका परमिशन लेते हैं, गोपीश्वर महादेव के स्वरूप में, हे महादेव जी कृपा करके हमको अलाउ करिए भगवान की सेवा। वैसे हम भक्त लोग भी महादेव जी को प्रार्थना करें रोज कि हे महादेव जी, हम भगवान का सेवा, नाम जप, साधु सेवा, भक्त सेवा करने के लिए अभी हम तैयार हैं, कृपया आप आशीर्वाद दीजिए, महादेव का कृपा होगी हम अच्छे से सेवाओं को कर सकते, करते रहे, अगर वैष्णव का कृपा बहुत जरूरी है, और वैष्णव में जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। महादेव को हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से महादेव जी गोपी बन गए, आज भी महादेव जी गोपी ड्रेस में हैं, उनको नाक में नथुनी, कान में कुंडल, उनको जटा की जगह बालों में फूल सब लगाते हैं, उनको आंखों में काजल पूरा सजाया जाता है, महादेव बड़े सुंदर दिखते हैं महादेव। तो इस प्रकार से महादेव जी कहां पर, वृंदावन में गोपीश्वर, मथुरा में कौन थे भूतेश्वर, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। तो आगे चलते हैं, आगे एक बारह वन में एक वन है काम्य वन, कौन से वन है, आप लोग कितना लोग काम्य वन गए हैं, कौन गया जी, जूम वाले भक्त देखते हैं कौन कौन गए, कौन गया, कोई नहीं गया काम्य वन, अच्छा वृंदावन नहीं गए, चलो ठीक है, तो चलना चाहिए वृंदावन। अभी वृंदावन में कुंभ है, महाकुंभ चल रही है, यमुना कुंभ, अब ये कुंभ में जा सकते हैं। अभी हमने सुना हरिद्वार में कुंभ चालू हो गई, हाँ साई स्नान था कल, हाँ तो यस, तो वृंदावन में, वृंदावन तो एक वन है वैसे बारह वन है, तो उसमें एक वन कौन सा, काम्य वन है, बड़ा विशेष महादेव है। तो ये विशेष वन है काम्य वन, इस काम्य वन में गोपियां जाके, ये कामेश्वर महादेव वहां पर काम्य वन में, कौन महादेव है, उस कामेश्वर महादेव को प्रार्थना किए थे गोपियां, किसके लिए पता है आप लोग को, लेकिन हे महादेव हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए, क्या प्रार्थना किए,
कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। तो महादेव जी के आशीर्वाद से गोपियों को भगवान पति के रूप में मिले थे। सभी गोपियों से भगवान ने विवाह किए कृष्ण ने। एक साल के अंदर भगवान का विवाह हुई। कौन सा साल था पता है? जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को सारे बछड़ों को उठा लिए, अपने लोक ले गए ब्रह्म लोक में कंफ्यूजन होके। तो एक साल में भगवान सभी गोपों का रूप भगवान स्वयं बने थे, आप सबको पता है। उसी साल सारे ब्रज में जितना गोपियां थे सबका विवाह हो गया। तो जितने गोप थे वो कौन थे? कृष्ण स्वयं थे। यानी हर एक गोपी का विवाह किनके साथ हुआ? कृष्ण के साथ हुआ। और उनका ही कामना यही थी कामेश्वर महादेव के चरणों में कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। हमने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहे थे। महाराज जी वर्णन कर रहे थे, बड़ा विचित्र वर्णन कर रहे थे। बोले जो पति है अभी, वो पति स्वयं भगवान का अंश है। कौन है? भगवान का। हाँ, इसके लिए पति को क्या बोलते? पति परमेश्वर। उनको प्रेम से सेवा किया जाए। बोलते नहीं बोलते? बोलते तो हैं, मगर अंदर से वो भाव नहीं होता। होगा परमेश्वर तेरे घर पे, मेरे घर जब आओगे तो तुम मेरा मानना पड़ेगा। एक सारे माताओं को बहुत बड़ा शिक्षा है, सिर्फ पति का अच्छे से सेवा करो। आप अगर भजन कर भी नहीं पाते हो ना, पति प्रसन्न हो जाएंगे ना, आपको कृष्ण का कृपा मिल सकती है। पति प्रसन्न हो जाएगा। आप बहुत भजन कर रहे हो, पति नाराज है आपसे, आप उनका सेवा नहीं करती हो, तब क्या है? सारा भजन करके भी पति नाराज है तो आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिए माताओं को भाव ज्यादा रहता है, इतना भाव में आ जाते कभी कभी माया है पति, माया है। पति का स्थिति वही है प्रभु जी, रोज सुबह दूध में घोल के पति बाहर निकाल देते हैं, चाय पत्ती। पति है ना, और क्या है? चाय में घोलो और बाद में छान के फेंक दो उसको, खत्म करो। पतियों का स्थिति वही है प्रभु जी। एक महात्मा बोल रहे थे, ये पति को इंग्लिश में हस्बैंड क्यों बोलते हैं यार? बोलते इसका बैंड बजाने के बाद भी हंसता रहता है, इसके लिए हस्बैंड है। स्थिति वही है प्रभु जी। तो खैर ऐसा स्थिति ना आए। भक्त जब हम जुड़ गए भक्ति में तो हमको तो कितना ध्यान रखनी हो, हमारा जिम्मेदारी है बच्चों को ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, साथ साथ में भगवान का सेवा पूजा करना। सिर्फ ये करके वो त्याग देना ये भी ठीक नहीं है, सिर्फ भक्ति करके रखना ये भी। जब जिम्मेदारी लिया तो जिम्मेदारी को निभाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो इसलिए हम भक्तों को बहुत बड़ा शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको सब कुछ को, इसलिए तो गृहस्थ जीवन बहुत टफ है ब्रह्मचारियों के लिए। क्या है? एक ही जिम्मेदारी है, भगवान का सेवा पूजा करो, भजन करो, प्रचार करो। हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम है, ज्यादा टेंशनबाजी नहीं है। बस भजन करो, नाम जपो, भक्तों पढ़ो और पढ़ाओ, यजन पठन पाठन दान। पर गृहस्थ जीवन ऐसा है जी, चारों तरफ से, हाँ साइलेंस, चारों तरफ से जगड़े हुए हम, बहुत जिम्मेदारी है गृहस्थ जीवन में। इस सारा जिम्मेदारियों को निभा कर सिर्फ मीन्स कृष्ण का भजन करनी है हमको। कोई बोलेगा मैं सारा जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, कृष्ण भजन नहीं करूंगी। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाय भजे, स्वकर्म करियौ से रौर पड़ी माजे। चारि वर्णाश्रम में अच्छे से अपना धर्म को पालन करते हुए भी अगर भजन नहीं किया उसने कृष्ण का, तो नरक चला जाएगा। ये है बात। तो हमको भजन तो करनी है, हृदय में हमको कृष्ण बिठाने हैं, बाहर से हमको हमारा जिम्मेदारियों को निभाने हैं। हमारे इष्ट कहते ना, इष्ट कौन है? कृष्ण इष्ट हो। तो महाराज जी कहते, मैं बतला रहा था, महाराज जी कह रहे थे कि देखिए हर एक के हृदय में परमात्मा निवास करते, हर एक हृदय में। तो महाराज कह रहे थे अगर परमात्मा निकल जाए तो आत्मा का क्या वैल्यू है?
महाराज कह रहे थे अगर परमात्मा निकल जाए तो आत्मा का आत्मा भी निकल जाएगी, संभव है क्या बिना परमात्मा का आत्मा रहना? नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा निकल आत्मा भी चले जाते, यानी कृष्ण का निवास है महाराज। तो एक अर्थ तर्क ये दिए कि वो इनको ऐसी सेवा करनी है, भगवान की उतना सेवा करनी है क्योंकि ना उनके हृदय में परमात्मा है। और दूसरा महाराज कहते हैं भगवान ने बोले कि जीव कौन से कौन है, ममेव अंश जीवो लोको जीवो भूत सनातन। भगवान बोले कि जीव मेरा अंश है, मेरा अंश होने के नाते भगवान है। तर्क समझ रहे हो ना आप? आज ही मत समझो मैं भगवान हूं। पति को ये डिमांड नहीं करना चाहिए मेरा पूरा सेवा करो, पत्नी का जिम्मेदारी बनता है सेवा करना, पति को डिमांड नहीं करनी चाहिए, पत्नी प्रेम से सेवा करे, समझ रहे हैं? और सिर्फ आप उनको इंस्ट्रक्शन से देना नहीं, आप उतना प्रेम दिखाओ तब वो प्रेम से सेवा करेंगे। वाइस वर्षा है ना, दोनों तरफा होनी चाहिए, प्रेम एक तरफा नहीं होती है, नहीं वाइस वर्षा। आप जितना प्रेम करोगे उनको ध्यान रख उतना वो सेवा करेंगे। तो खैर महाराज जी कह रहे थे जीव भूत सनातन और ममेव अंश, अंश होने के नाते ये छोटे भगवान है, ये भी उन्हीं की अंश है ना, कृष्ण की अंश है, इसके लिए उनका अंश है। अगर स्त्री पत्नी पति का अच्छे से सेवा करेगी तो इसका किसका सेवा कर रही है वो? ध्यान से करे, अच्छे से करे। एक चीज मैं बताऊंगा, बड़ा विचित्र घटना आती है चंद्रमा का, अब वो लीला में बताऊंगा, उसमें वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है, आप माताओं के लिए आप चौक जाओगे इतना ये वर्णन किया हुआ है। तो खैर कहां पर थे हम लोग? कामेश्वर महादेव के पास है ना। तो कामेश्वर महादेव जी को सारे ब्रजवासी यानी खास करके गोपियां प्रार्थना किए थे, इसके लिए उनको भगवान ने पति के रूप में प्राप्त हुए, भगवान ने पति के रूप में प्राप्त हुए कामेश्वर। यहां तक वर्णन है कि नंद बाबा भी कामेश्वर महादेव को प्रार्थना किए थे, मेरा अच्छा बेटा। यहाँ तक के वर्णन है वृषभानु महाराज जी ने कामेश्वर महादेव जी को जाकर प्रार्थना किए थे, एक मुझे कन्या चाहिए। बेटा तो थे श्रीदामा, श्रीदामा उनका एक बेटा हुआ था वृषभानु नंदन थे वो, कीर्तिदा सुंदरी पत्नी वृषभानु महाराज, मगर उनका कोई कन्या। तो कामेश्वर महादेव जी को जाकर प्रार्थना किए है, कामेश्वर महादेव कृपा करके मुझे एक बेटा चाहिए। और कामेश्वर क्यों है इनका नाम? क्योंकि ना उन्होंने सारा कामनाओं को पूरा करने वाले है कामेश्वर। तो आप लोग के पास जो भी कामना है तो आप ब्रज में जाओगे कामेश्वर महादेव के पास जरूर जाना, वहां उनको प्रार्थना करो हे कामेश्वर महादेव मुझे मेरा ये इच्छा पूरा करो, वो कर लेंगे। हाँ कामेश्वर मीन्स कामेवन में है ब्रज के अंदर। तो वृषभानु महाराज जी प्रार्थना किए, तो कामेश्वर महादेव जी की कृपा से वृषभानु महाराज जी को एक सुंदर कन्या मिली, वो है हमारे प्रिय राधा रानी की। राधा रानी का प्राप्त हुई। देखिए भगवान महादेव जी सारे कामनाओं को पूरा करते, खास करके कामेश्वर महादेव है कि नहीं, सभी इच्छा को पूरा कर सकते। मगर आज भी ब्रज में कामेश्वर महादेव के पास संत हजारों संत जाते हैं, मांगते क्या है बताए, हे कामेश्वर महादेव आप सारे कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, इसलिए मेरा एक ही कामना है कृष्ण प्रेम प्रदान करे। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, कृष्ण से बोलो कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते तुम्हारा सकती आते, तुम्हारा सकती आते, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दायत्व पाचे पाचे दायत्व पाचे पाचे। कृष्ण किनके हैं, किनके पास है कृष्ण? महादेव के पास है। हे महादेव कृष्ण आपके हैं, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पा, जब कृष्ण आपके हैं तो कृष्ण देने का सक्षम आप ही है, आप दे सकते हैं हमें कृष्ण। आमी तो कंगाल और हम कैसे हैं, आपके पास महाधन है कृष्ण प्रेम का धन है और हमारे पास
कुछ भी नहीं है, हम तो कंगाल है। इसके लिए आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, हम तो आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं महादेव, आप जहां जाएंगे हम आपके पीछे रहेंगे। क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? आप एक चीज हमें दे दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। ये भक्तों का भाव है। महादेव जी के पास कई संत जाते हैं, हजारों संत ब्रज वृंदावन में काम्य वन में प्रार्थना करते हैं, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान, हमें कृष्ण दीजिए महादेव। तो ब्रज वृंदावन में से कहा जाता है कि सारे संत महादेव को उपासना करते हैं कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण कृपा के। वैसे भक्तों को सीखनी चाहिए महादेव जी के पास जाके प्रार्थना। आज के दिन खास करके बड़े प्रसन्न होते, आज का दिन स्पेशल पता है क्यों है? क्यों है? व्यक्ति एक ही दिन बहुत प्रसन्न रहता है, बाकी दिन दुखी रहता है। जिस दिन उसका विवाह होने वाले उस दिन बहुत खुश रहता है, बड़ा लड्डू फूटता होगा उसके मन में, आहा गृहिणी आएगी, खूब सेवा करेगी, मजा ही मजा है, सारा सेवा कर लेगी मेरा। मगर बेचारे को पता नहीं कितना बड़ा धोखा उसके साथ हो रहा है, बड़ा मगर प्रसन्न तो बहुत रहते हैं। इसलिए कभी कभी देखो शादियों का फोटो ना देखते हैं, बोला कि ये समय वापस कब आएगा पता नहीं। पूरा दिन में जितना फोटो उठाया फोटोग्राफर ने, सभी में स्माइलिंग फेस है, उसके नेक्स्ट दिन से ही फेस खत्म हो गई है स्माइलिंग। और फोटोग्राफर भी हमने देखा विवाह में प्रभु जी, ओके छत के ऊपर से खींचता है जाके, ड्रोन से खींचता है जाके, कि इस कोने से उस कोने से अलग अलग एंगल से। पता है क्यों? कल से ऐसा फेस नहीं मिलेगा दिखने को, इसके लिए आज जितना हो सके फोटो खींच लेने चाहिए इस पर व्यक्ति का, कल से ऐसा फेस वापस ना मिले। उसको पता है ना दोबारा ऐसे फेस नहीं मिलेगा। हाँ ले ड्रोन से लेते हैं, बोलते कि इसका हर एंगल से ले लो भाई ऐसा। अगर कभी उसको देखना होगा ना, इसको देख के प्रसन्न होगा ये व्यक्ति, बाकी तो पत्नी को देख के दुखी हो जाता है। वो एक चुटकुला आया था, तो उसने बोला अरे यार बड़ा टेंशन चल रही, बहुत टेंशन। क्या टेंशन है यार, आप तो शेर जैसे एकदम ऑफिस में शेर जैसे रहते। अरे यार शेर कितना भी शेर है, या घर में जाने के बाद दुर्गा सवार हो जाती है यार। वो चुटकुला आया था एक बार, पत्नी सवार हो जाती है दुर्गा देवी। तो खैर जो भी है, भक्तों के लिए नहीं है ये, कर्मियों के लिए बात है। भक्त लोग तो प्रेम से देते हैं, सभी लोग प्रेम से देते हैं। तो खैर क्या चर्चा हो रही थी? कामेश्वर महादेव। तो ये टॉपिक कैसे आया? हाँ आज कामेश्वर महादेव तो थे। हाँ आज के दिन महादेव जी बड़े प्रसन्न है। वैसे महादेव जी हमेशा प्रसन्न है, मगर स्पेशल दिन है इसके लिए ज्यादा प्रसन्न महादेव जी। तो सती किनकी पुत्री हुई? दक्ष प्रजापति की। देखिए सती का पिता दक्ष का हमेशा महादेव के साथ सतीश का आंकड़ा है। ब्याह तो कराया था मगर बेचारा पसंद नहीं था ब्याह कराया। हाँ एक्चुअली लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था नहीं, इसीलिए पेरेंट्स खुश नहीं थे। लेकिन तो एक बार क्या हुआ, जब दक्ष प्रजापति का कितना पुत्री हुए? 60 पुत्री। हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे कितना पुत्री, 60 पुत्री का मतलब था 60 था, 60 पुत्री हुई। तो उसमें से 27 पुत्रियों को उन्होंने चंद्रमा को विवाह कराया। कितना? एक पुत्री को इनको भी दिया, महादेव जी को भी, सती को। और उसका घटना अलग है, सती को विवाह कराया। सती चाह रही थी मेरा पति कोई हो तो महादेव हो, नहीं तो मैं दूसरे को ब्याह नहीं करूं, मैं प्राण त्याग दूंगी। इतना जिद कर ली थी, तो अभी करे क्या, ये मर जाएगी बिचारी। आजकल ऐसे ब्लैकमेल करते हैं ना लड़कियां या लड़के, हे इस लड़की से नहीं ब्याह करो, मैं तो प्राण त्याग दूंगा। बेचारे मजबूर होकर करना पड़ता है। तो वैसे सती भी ऐसे ही थी, ये प्रथा अभी का थोड़ी पहले से ही था ऐसा। तो सती ने महादेव को वरण, महादेव जी कोई साधारण नहीं थे, वो जानती थी महादेव जी का महिमा, उनका वरण की थी। तो खैर 27 पुत्रियों को किनको विवाह दिए? चंद्रमा को विवाह दिए। तो एक उस 27 में से एक थी रोहिणी, क्या नाम था उनका, यस रोहिणी, एक पत्नी का नाम था रोहिणी। वो रोहिणी नहीं है, कौन माँ इनका, बलराम जी की माँ, वो रोहिणी नहीं, ये रोहिणी इनका सती की बहन या दक्ष का पुत्री। तो ये रोहिणी बड़ी सुंदर थी,
बहुत गुणवत्ती थी, वैसे सब गुण बच जाए, ये थोड़ा स्पेशल गुणपति थी। तो चंद्रमा ज्यादातर रोहिणी को प्रेम करते, उनके पास रहते, उनकी सेवा लेते। तो 27 पत्नियों में एक ही पत्नी को ज्यादा ध्यान देखो, बाकी लोगों को नहीं दोगे तो क्या होगी, घर में तांडव होगी, 100% होगी नहीं होगी, तो शुरू हो गया तांडव। अभी ये लोग चंद्रमा को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो ये बाकी जो 26 थे ना, ये लोग गए पिताजी के पास, बोले किससे विवाह करा दिए, वो तो बस रोहिणी के पीछे पड़ा रहता है, हमको तो ध्यान ही नहीं देता है, पूछता भी नहीं खाया पिया क्या किया, कुछ नहीं पूछता। तो दक्ष का आया बड़ा गुस्सा, ऐसे कर रही है, श्राप दे दिए दक्षिण ने, बोले मूर्ख चांडाल के इनका स्त्री लंपट, उसको मैं श्राप देता हूं, वो क्या होगा, उसका शरीर क्षीण हो जाएगा, उसका शरीर क्षीण हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएगा, और उसका जो काम शक्ति है ना वो भी खत्म हो जाएगा। दो श्राप दे दिए, एक तो उसका शरीर क्षीण हो जाएगा और उसका काम शक्ति, जो काम इच्छा है वो काम इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जब चंद्रमा को श्राप मिला, चंद्रमा अभी कहा जाए हाय हाय, मगर उनको चंद्रमा को पता था भगवान महादेव जो है ये बड़े दयालु है, ये सबको शरण देते हैं, तो दौड़े महादेव जी के पास, क्योंकि ना खत्म होना शुरू हो गए, अगर कोई रक्षा नहीं करेगा तो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ना श्राप हो गया। तो दौड़ के गए महादेव जी के पास, महादेव रक्षा करो रक्षा करो। शरण जब लिए महादेव, क्या हुआ, बोले कि श्राप श्राप दिए, मैं क्षीण हो रहा हूं, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो महादेव टेंशन मत लो, उनको लेके अपने सिर पे धारण कर लिए चंद्रमा, महादेव जी देखो उनकी शरण में आने वाले को, शरण में आने वाले को सिर पे बिठाते हैं महादेव जी, ये महादेव जी का गुण है। और हमारा शरण में कोई आता तो हम उसको अंदर ही रखना चाहते, ये शरण में ही रहे, मेरा ही बात मान के रहे, ये कभी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, ईर्ष्या इतना हमारे अंदर, कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको नीचे खींचना चाहते हैं, ये भौतिक संसार के लोगों का प्रवृत्ति है। सही बात बोल रहा हूँ, है ना, भौतिक संसार में सब लोग एक दूसरे को नीचे खींचना चाहते हैं, कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं, बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ही आगे रहूं सबसे फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर में, दूसरा सब नीचे होने मिलता है, द्वेषी है, ईर्ष्यालु है संसार में। मगर महादेव जी ईर्ष्या द्वेष से तो बिल्कुल बिलग है, ईर्ष्या द्वेष तो नामो निशानी नहीं है महादेव जी के पास। देखो ना, जो शरण में आया उनको सर पे बिठा दिया महादेव, बोले कि जब तक मैं मेरे सर पे रहोगे ना तब तक आपका बाल बांका नहीं होगा, टेंशन मत, क्षीण की बात तो दूर है। महादेव जी उनको शरण दे दिए, चंद्रमा मजे में, महादेव जी के शरण में तो मजे में, बहुत आनंद मेरा, महादेव बात शांति से रोको, टेंशन मत लो। तो अभी ये जो पुत्रियां थे 26, पति घर पे आए, नहीं एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, गए कहां, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, पता चला ये तो गया, वो अब वापस आने वाला नहीं है। पिताजी के पास दौड़ गए, बड़ा विचित्र घटना अभी आएगा। पिताजी के पास जाके बोले आप क्या कर दिए, ये क्या कर दिया आपने, बोले पिताजी क्या बोला, क्या हुआ, बोले कि आपने ऐसे कर दिए, हमारे पतिदेव हमेशा के लिए चले गए, हमने तो आपको इसके लिए बोले थे ताकि आप कुछ उनको समझा बुझा कर क्या करो, घर पे समान व्यवहार करने के लिए आप समझाओगे, मगर आपकी वैसे श्राप से तो हमारे पति हमसे दूर ही हो गए। और पता है शास्त्र में, आप भी तो जानते हैं पिताजी, पति के बिना पत्नी कहीं का नहीं रहती है, क्या कहते हैं, द हस्बैंड एलोन इन नारायणा इज नारायणा, एक स्त्री के लिए एक पति उसका कौन है, नारायण है, ईश्वर है, परमेश्वर है। The vow in the ancient religion, a woman who envies a poor or virtuous husband and deserts him suffer in a horrible hell as long as the sun and moon shines on earth. अगर कोई स्त्री अपने पति को दुर्व्यवहार करती है, दुखी करती है, सुन लो आप लोग खास ध्यान से, माताएं ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अगर कोई पत्नी पति को दुखी करते हैं तो उनका क्या होता है, वो जब तक सूर्य चांद है तब तक नरक गामी होती है, नरक में पीड़ित होती है वो। सूर्य चांद तो हमेशा रहेंगे, जाने वाले हैं क्या, हाँ जी सूर्य चांद हमेशा रहेगा। माताओं को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पति को सेवा करने में। इतना ही नहीं, देख लो प्रभु जी, इंसेक्ट
एट हर अप लाइक डॉग्स डे एंड नाइट। और खाएंगे क्या पता है, कीड़े मकोड़ों को खाएंगे उनका भोजन के रूप में, उनको खाना नहीं मिलेगा नरक में। When she is hungry, she has to consume the flesh of dead bodies। जब उसको भूख लगेगा नरक में, उसको क्या खिलाया जाएगा पता है, उसको खाना पड़ेगा मुर्दों का मांस। मैं नहीं बोल रही, तो ये वर्णन है यहाँ पर, शास्त्र वर्णन है। अगर पति नाराज होते है आज तो, आज से तो पति जो जो जूम में सुन रहे उन लोग का चार चांद यार आज से तो है। नहीं, इंस्पायर कर रहा हूँ सेवा करने के लिए, डरा थोड़ी रहा हूं मैं। शास्त्र में कोई डराने के लिए नहीं बताया गया, इंस्पायर करने के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए ये सत्य बात है जी, पतियों के बिना कोई गति नहीं, स्त्रियों का कोई गति। तो देखिए तो हम लोग आजकल का ना बने, हम पुराना जमाना का ही बने रहे, अच्छा है। आजकल के क्यों बननी है हमको, क्यों मॉडर्न मॉडर्न पत्नियां बनना है हमको, हमको पहले जमाने की पत्नी बन के रहे। तो और आगे क्या कहते, देखिए, एक तो भूख लगेगा तो कीड़े मकड़े खाएंगे, और क्या होगा, मांस खाएंगे, डेड बॉडीज का मांस खाएंगे। एंड सी हैज टू कंज्यूम यूरिन टू कौन हेयर थर्स्टी, जब प्यास लगेगा उनको पिशाब पीना पड़ेगा। क्या पिशाब होता है ना, पिशाब पियेंगे। क्या खतरनाक वर्णन है। Afterwards, she has to take crores of bath as a vulture. Vulture करता हूँ ना, V-U-L-T-U-R-E. सागू ना, वो ईगल बन जाएगी। कई करोड़ों जन्मों के बाद क्या बनेगी वो? Then she takes bath as a female pig. बाद में क्या बनेगी फिर वो? एक pig, सुअर बनेगी, female pig. स्त्री सुअर बनेगी। फॉर हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स, 100 साल तक, ईयर्स लिखा है ना, फॉर ए हंड्रेड ईयर, 100 साल तक हो, करोड़ों जन्म के बाद क्या बनेगी वो? ईगल बनेगी। उसके बाद उसका बर्थ क्या होगा? सुअर बनेगी 100 साल के बाद। देन ए कार्निवियर फॉर ए 100 बार्स। कार्निवियर का क्या है? सीता, सीता जैसा कोई पशु। अच्छा, तो 100 साल के लिए वो पशु बनेगी। When she is finally reborn as a human, अंत में जब वापस मनुष्य जन्म लेगी, she becomes a window, a pauper and remains sickly. Window a pauper, P-A-U-P-E-R, क्या अर्थ उसका? पता नहीं कौन सा योनि है, ये क्या है? और सिकली यानी बीमार जन्म होगी, उसका शरीर हमेशा बीमार रहेगा। ध्यान रखो, बीमार पड़ते तो पति का सेवा अच्छा करो, बीमार से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, प्लीज रिस्टोर आवर 100 हस्बैंड्स वाज। तो ये लोग ऐसे प्रार्थना किए कि देखो, अगर पति के बिना तो हम लोग का गति ऐसा हो जाएगी, तो कृपा करके हमें हमारा पति वापस करिए। 26 बेटियां प्रार्थना कर रहे, तो अभी दक्ष प्रजापति के बोल, ठीक है भाई, अब क्या करें, किसके पास जाना है, कहाँ है वो लोग, कहाँ है आपके पति? वो महादेव की शरण में, महादेव के पास जाना पड़ेगा, उसकी मुंह देखना पड़ेगा, चंडाल कहीं का वो। लेकिन हमारा पति चाहिए, ये हमेशा ये दक्ष प्रजापति महादेव का निंदा करते हमेशा। और महादेव का निंदा के कारण दक्ष प्रजापति का स्थिति क्या हुआ, भागवत में वर्णन है, भागवत साक्षी है जी। वैष्णव का निंदा करने वाले को क्या होता है? बकरे का सर मिला बाद में। तो हाँ, दक्ष को क्या मिला? और कहीं युगों तक उन्होंने बकरे के सर पे रहे। हाँ जी, बहुत कष्ट को अनुभव किया, हमने चर्चा किया वैष्णव अपराध के सत्र में इस लीला को। तो खैर, तो इस प्रकार से आए दक्ष प्रजापति, भाई बेटियों को प्रसन्न करनी है, तो दौड़ के आए महादेव जी के पास आए। दामाद जी, आप भी दामादी हो, थोड़ा ससुर का रिक्वेस्ट मान लो, चंद्रमा को छोड़ दो। महादेव जी, मेरे शरण में कोई एक बार आता उसको मैं त्यागता नहीं, वो मेरे शरण में मैं नहीं त्यागूंगा। बोले, तेरा ऐसा बुद्धि के वजह से ही मुझे पसंद नहीं है तू। ससुर के सामने मुंह जवान लड़ाता है, जब बोलता हूँ छोड़ दे करके, छोड़ देना चाहिए ना, उल्टा क्या जवाब देता है? बोलता है, ससुर जी जो भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा शरण में। बोले, ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो तुझे भी श्राप दे दूंगा। बड़े है, ससुर है, दक्ष प्रजापति है, ब्रह्मपुत्र है,
नहीं सक्षम भी थे श्राप देने में, और महादेव जी बोलते ज्यादा बड़बड़ करके तेरे को श्राप दे दूंगा, समझ रहा है क्या, छोड़ दे उसको, वो बेचारे मेरे सब इस करने आए दुखी है। महादेव जी पहले सोचना चाहिए था ये बात पहले सोचना चाहिए था श्राप देने से पहले, अभी कहां से आ गए, इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या जी चंद्रमा जाना है, बोले नहीं जाना है मुझे, नहीं जाना है, मैं तो क्षीण कर दिया इसने, मर जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा चंद्रमा, नहीं नहीं छोड़ना है। ले दोनों मिलावटी सरकार है ये दोनों, चंद्रमा और महादेव। महादेव जी जिस दिन से चंद्रमा को सर पे धारण किए उनका नाम हो गया, क्या नाम पड़ा, हाँ चंद्रशेखर पड़ा ना नाम उनका, चंद्रशेखर, भगवान महादेव का नाम पड़ा चंद्रशेखर, जिनके सर के ऊपर सिर के ऊपर क्या है चंद्रमा है, इसलिए चंद्रशेखर नाम पड़ा। तो फिर महादेव जी मना किए, तो बोले देख श्राप दे दूंगा, बोले डराता किसको, देखे बता महादेव, ऐसे चैलेंज तो नहीं कर रहे थे, महादेव बोले कि श्राप देगा तो दो, मगर आप श्राप दे दो चलेगा, मैं मेरे शरणार्थी को नहीं छोड़ूंगा। कितना दया है महादेव की हृदय में, देखो कितना दया, उनके शरण में आने वाले को वो कभी नहीं त्यागते हैं, हमेशा शरण में रखते हैं महादेव जी। इसलिए हम लोग को महादेव की शरण में रहे, भक्तों की शरण में, और महादेव के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के नाते उनके शरण में रहे। भक्त जानते हैं जी महादेव की महिमा, कभी महादेव जी को नहीं भूलते, हम सभी महादेव की कृपा से कहीं ना कहीं कोई ना कोई महादेव की कृपा से आज कृष्ण भक्ति में है, नहीं भूलना चाहिए, भूल गए तो कृतज्ञ बोला जाएगा, कृतज्ञ ने कृतघ्न, एक कृतज्ञ होते हैं जो किया हुआ हेल्प को भूलते नहीं है, और एक कृतघ्न व्यक्ति होता है जो किया हुआ हेल्प को भूल जाता है, कृतघ्न है। तो हमको महादेव का किया हुआ कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे हमने कल बताए थे हमको महादेव का बड़ा कृपा था, कृपा है अभी भी। तो भक्त प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी हम व्रत रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखना चाहिए, सारे वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव में रखते नहीं रखते हम आचार्यों का, तो महादेव जी तो परम वैष्णव, उनके आविर्भाव में उनके एक विशेष दिन में क्यों ना हम व्रत रखें। आज 8:30 तक चलेगा क्या आप लोग को, चलेगा पक्का ना, ठीक है। वो विवाह बीच में रुक गया, विवाह नहीं हुआ ना अभी, तो ठीक है विवाह कराएंगे, रुक जाइए, आज विवाह कराते हैं महादेव का, ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ रे भाई, महादेव का विवाह करानी है, और क्या बाराती में चलनी है, बाराती में चलनी है। तो महादेव जी बोले नहीं मैं इसको नहीं त्यागता, तो बस श्राप देने ही वाले थे दक्ष, तब तक भगवान बोले ये महादेव को श्राप देने गया, क्या कर रहे हैं ये, भगवान प्रकट हो गए वहां पर, रुको 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 क्या कर रहे हैं, महादेव को क्यों श्राप देने जा रहे, तो रुक गए प्रभु सॉरी 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 क्या महादेव को श्राप दोगे, ये कौन है पता है, परम वैष्णव है, ये सब सहन करते करके उनको कोई सहनशील व्यक्ति ना कोई कुछ भी सुना के चला जाता है, और जो एक थप्पड़ मारे थे दोबारा दूसरा थप्पड़, सुभाष चंद्र बोस थे ना, एक बजाने पर उसको एक दूसरा बजाते, दूसरी गाल को दो बजाते, महादेव महात्मा गांधी जी कैसे थे, एक बजाने पर दूसरा गाल दिखाते, अब महात्मा दिन सुना के चले जाते लोग, सुभाष चंद्र बोस के सामने सुना नहीं सकते, भगत सिंह के साथ सुना सकते, ये उल्टा बार करने वाले। तो अभी महादेव जी बड़े सरल थे, वो कभी उसको उल्टा किसी को प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए बोले वो कुछ नहीं बोलते करके उनको इस प्रकार से व्यवहार करोगे, ना ना ना, बोले देखो ना दामाद को छोड़ नहीं रहा है, मेरे बेटियां बड़े दुखी हैं, बोले महादेव जी छोड़ दीजिए, महादेव जी बोले प्रभु आप अपने आपके शरण में कोई आता आप त्याग देते हो, फिर मुझे कैसे आप सलाह दे रहे कि त्याग दो, धर्म यही बोलता है, आप भी जानते हैं आप तो धर्म, धर्म स्वयं आप ही क्रिएट किए हैं, धर्म आपके अंडर में है प्रभु, धर्म यही कहता है शरणार्थी को कभी नहीं त्यागना है, तो मेरे शरण में है प्रभु मैं कैसे त्यागूंगा चंद्रमा को। फिर भगवान समझाते हैं छोड़ दो, वो भी उनका भी दुख समझो, उनकी पत्नियां भी है, घर गृहस्थी व्यक्ति है, ब्रह्मचारी होता तो रख देते चल जाता है, सन्यासी होता अलग बात है, वो घर गृहस्थी वाला वो पत्नियां कैसे जिएंगे, छोड़ दो उसको। इस प्रकार प्रार्थना किए, तो फिर चंद्रमा बोलता प्रभु मुझे तो श्राप दिया मैं तो खत्म हो जाऊंगा, भगवान ने आशीर्वाद दिए ठीक है, महादेव बोलते मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, वो बोल रहे कि हमें चाहिए, कौन दक्ष बोल रहा है, बोला चलो ठीक है दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, चंद्रमा को दो दो भाग के एक भाग ले, इसको लेके जाओ आप आधा भाग ले जाओ, आधा चंद्रमा महादेव के सिर पे रहेगा, आज भी महादेव के सिर पे आधा चंद्रमा है नहीं है, और भगवान अब ये प्रार्थना की चंद्रमा मैं एक तो क्षीण हो जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, भगवान आशीर्वाद दिए 15 दिन आप क्षीण हो गए, 15 दिन आप बड़ हो गए पूर्ण हो, ये आशीर्वाद भगवान ने दिए थे, तब चंद्रमा दक्ष महादेव तीनों भगवान की कृष्ण के चरणों में गिरे,
प्रार्थना किए, उनको प्रसन्न किए, फिर अपने अपने घर गए। ये घटना आती है शास्त्रों में चंद्रमा का। तो यहाँ पर जो सती थी, तो भगवान महादेव ने सती को वरण किए थे, और सती सती बड़े पतिव्रता थी, मगर घटना ऐसी हो गई कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा दुखी होके। देखो सती से सीखिए, माताओं को सीखनी चाहिए, सिर्फ अपने पति का अपमान को नहीं सहन कर पाए, शरीर त्याग दी वो, सिर्फ पति का एक छोटा अपमान को। अब बोले कि प्रभु जी हमारा पति लोग तो नेचर ठीक नहीं है, ये लोग भक्ति नहीं करते, हो सकता है कोई कोई हो क्या हुआ? आप भक्त थे क्या? आप तो अभी भक्त बने ना, ऐसा नहीं। पति जैसे भी क्यों ना हो, बेबिचारी क्यों ना हो, बेवड़ा क्यों ना हो, दुष्ट प्रकृति का क्यों ना हो, पत्नी का एक ही धर्म है, पूर्ण तरीके से उनको प्रसन्न करे, सेवा करे, एक ही धर्म। तो माताओं को ये सीखना चाहिए, पतियों को भी ये प्रयास करे कि माताओं का पूरा ध्यान रखे, उनको जो भी चीज जरूरत उनको दे, उनको भक्ति भी वातावरण उनको दे। हमने देखा कई ऐसे प्रभु जी हैं जो खुद नहीं कर पाते भक्ति, और हमने देखा उनकी पत्नियों को उन्होंने पूरा फ्रीडम दे रखा भक्ति के लिए, पूरा सहयोग करते हैं। कई माताओं को हमने सुनते हैं, प्रभु जी हमारे प्रभु जी तो हमें बहुत हेल्प करते हैं, मंदिर छोड़ते हैं, ले जाते हैं सेवा में, तो ग्रेट दे, वो कितने हेल्प करते हैं, ये सोच के ही सोचिए कितना ग्रेट, आप कितने भाग्यशाली होंगे जो आपको अलाउ कर रहे हैं भक्ति के लिए। ऐसे ऐसे हैं प्रभु जी जिनको पति अलाउ नहीं करते हैं भक्ति के लिए, बहुत उनको झेलना पड़ती है भक्ति करने की, पर हमारा तो ऐसा नहीं है नसीब, हमको तो भगवान की कृपा से ऐसे पति मिले जो हमको सपोर्ट कर रहे। अगर सपोर्ट नहीं करे तो फिर त्याग दे, नहीं सपोर्ट नहीं भी करे उनको सपोर्ट करने जैसे आप सेवा करो, एक दिन आपको हेल्प करेंगे सपोर्ट। सारे माताओं से निवेदन है ये सीखिए, किन से? सती से सीखिए। और घर में कितना भी अनमन हो, देखिए पत्नी के सामने अगर कोई पति का निंदा कर दे छोड़ेगी नहीं वो, कितना भी अनमन हो जाए, पति पति है वो जानती है पत्नी, वो नहीं छोड़ेगी, उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्या बोल रहा है मेरे पति के बारे में। तो सती थी जो परम पवित्र थी और परम अपतिव्रता थी, उनके सामने उनकी पति का अपमानना अपमान, ओ हो हो, सभा में कुर्सी नहीं था महादेव के लिए, जो सभा दक्ष प्रजापति का सभा में कुर्सी नहीं, और कोई पराया होता तो चलो फिर भी मान जाती, पिताजी ऐसे किया कैसे सहन करेगी ये पिताजी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर कल जाके महादेव जी बोल दे कि ए दक्षिणी आई आई, अगर दक्ष आपके नाम से मुझे पूरा होता है ना, पिता के नाम से पुत्री को माना जाता है, अगर कल बोल दे कि ए दक्षिणी आ जाओ, दक्ष की दक्ष से उत्पन्न हुई है सती, तब तो मैं कहां मुंह दिखाऊंगी, ऐसे किया आपने अपमान मेरे पति का। बस वही पर उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दी सती को। तो बाद में आप जानते कितना बड़ा हंगामा हुआ, महादेव जी की शरीर से महादेव जी एक भयंकर अवतार को प्रकट कराए वीरभद्र करके, और वीरभद्र ना के पूरा यज्ञ स्थल को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, मार मार के सब खत्म, और दक्ष को भी काट डाला। वहां यज्ञ बलि देने वाले के पशु बलि देने के लिए जो तलवार था ना उठाया, उसका गर्दन उड़ा दी, दक्ष को जितना मारता था वो वापस जीवित हो जाता था, इसमें यह मर नहीं रहा है, इसको तो पहले मारना है, यही बदमाशी किया है, बस इसको मारना है था, मारना है तो यज्ञ स्थल में जो तलवार है ना पशु बलि के लिए रखा है उससे मारो, ये खत्म हो जाए, उससे खत्म कर। और क्या क्या पता है, उसका जो सर था दक्ष का यज्ञ कुंड में आग जल रहा था उसमें डाल के जला खत्म ही कर दिया, जा उसका सर ही नहीं है, बाबा जीवित नहीं हो गए। बड़ा भयंकर वर्णन है भागवत में, इस प्रकार से सारा मटिया मिट हो गई। बाद में तो प्रसंग आता है, भगवान महादेव जी को प्रसन्न किए वापस दक्ष प्रजापति सबको, महादेव जी लगे तो ठीक है, महादेव बोले अभी तो माफ कर दो, जो भी हो गया हो गया। तो महादेव जी फिर सबको आशीर्वाद दिए। भक्त ऐसे ही होते, वैष्णव ऐसे होते, अगर उनको क्रोध दिखता है आपको तो अंदर से क्रोध ही नहीं होते, बाहर से क्रोध होता है, और क्रोध होते भी तो वापस तुरंत हो क्षमा भी कर देते। क्षमा का शक्ति महादेव से सीखिए, क्या क्षमाशील थे वो, क्या सहनशील थे वो। भक्तों का ये गुण होता है, कारुणिका हृदम सर्वदेहिनाम अजात सत्र वह शांत साधव साधु भूषण, ये भक्तों का गुण होते हैं। महादेव जी के पास ये सारे गुण भरपूर मात्रा में, पूर्ण मात्रा।
तो खैर महादेव की कृपा से क्या किया जाए, इसका तो सर, जिसका सर था उसको सर जुड़ा दिया गया, इसका तो सर ही नहीं, खत्म हो गया सर, जला दिया गया, फिर क्या, ठीक है उसका फिट होने वाला जो सर मिलता है लगा दो, वहां बकरी का सर लाके लगा दिया। क्यों पता है, कहते ये मैं बहुत कर रहा था इसको, ये बकरी हमेशा मैं करता है, बकरी का सर लगाओ इसको। आप देख लो जो मैं करता है ना ज्यादा, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं और उसको बकरी का जन्म हो जाएगा अगला जन्म, मैं करते रहो जितना मैं करे, बकरे को कुछ भी बोलो क्या बोलेगा, मैं। इस संसार में जो मैं करते है ना वो बकरी से कोई अभिन्न नहीं, भिन्न नहीं, सेम बकरी। तो ऐसा स्थिति हो गई किसको, दक्ष को। खैर जो भी है, ये सती देह त्यागी थी अगले जन्म में, मगर सती यही प्रार्थना करके देह त्यागी, मैं जन्म जन्मांतर मेरा एक ही इच्छा है महादेव पति के रूप में मुझे मिले, अगले जन्म वो हिमालय की पुत्री बनी। हिमालय की पत्नी का नाम क्या था, मैना, हिमालय की पत्नी मैना, हिमालय जो पर्वतों का राजा माना जाता है हिमालय, उनकी पुत्री के रूप में पार्वती जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। पार्वती सयानी बोलते ना, सयानी हो गई, बड़ी हो गई, पिता माता का इच्छा था इसको कोई उचित वर मिल जाए, आज तो विवाह करा देना, क्या बिचारे जी विवाह करे नहीं करे, महादेव का विवाह करा देते हैं और 10-15 मिनट में। तो उतने में एक दिन नारद जी आ गए, नारद जी हर जगह पहुंच जाते, पहुंच गए तो नारद जी का सत्कार किए पर्वत मुनि और महिनी, तो आइए महात्मा जी कैसे पधारना हुआ पधारी, बोले कि आपकी बेटी तो विवाह के लिए योग्य हो गई है, बोले बिल्कुल योग्य, बोले मेरे पास एक, लेकिन आप मेरे बेटी का तो हाथ तो देखो, कभी विवाह होगा क्या होगा, संत को दिखाते नहीं, दिखाते सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर संत होते हैं महात्मा, आपको भाग्य रेखा जाननी है तो महा भक्तों को पूछो क्या मेरा जीवन होगा, एक बार गाड़ी में मुझे पूछ लिया कोई ट्रेन में, हे महाराज हाथ देखते हो, मतलब बिल्कुल देखते हैं, लाओ देखते, वो दिखा दिया, लगी महाराज थोड़ा बताओ, बोला तू मरने वाला है डर गया हो, हे महाराज शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो, नहीं सच में मरने वाले हो, तो मैं झूठ तो बोला नहीं था, तो मरने वाले हो आप, वो घबरा गया, लेकिन मैं फिर समझाया, अरे मैं ये कह रहा हूँ मरने वाले हो कि नहीं मरने वाले, मरेंगे महाराज जैसे आप पहले मार दोगे, मैं पहले नहीं मार रहा, मरना तो है मुझे भी मरना है तुझे भी मरना है सबको मरना है। फिर मैं उनको गीता का कुछ समझाया, बोला कि देखो हम सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहता है, इसलिए मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति पाना है तो भगवान भजन करिए, मैं उनको समझा रहा था। उनको हमने बोला नाम जपो टाइम मिलने से, तो खैर यहाँ पर हाथ दिखा, बोले नारद जी ने हाथ देखो मेरी बेटी का, तो नारद जी ने देखा हाथ, तो भाग्य रेखा देख दिया उन्होंने, बोला कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो निर्गुणी होगा, नंग धड़ंग घूमता रहेगा, जटावुट लेके बड़ा विचित्र भूत पिचा जैसा घूमता रहेगा, और शरीर में भस्म लेपता रहेगा, ऐसे ऐसा पति मिलेगा इस भाग्य में लिखा हुआ, कोई तो उपाय बताए नारद जी, करो। बोले एक उपाय है, आपकी बेटी अगर अच्छा वर चाहिए तो एक उपाय मेरे पास है, ये तो पहले से ही भगवान इच्छा से आए थे, बोले कि ये अगर महादेव को तपस्या करके प्रसन्न कर देगी ना पार्वती, तब तो महादेव इनको विवाह कर ले, महादेव विवाह कर ले तो महादेव तो देवाधिदेव है और परम वैष्णव है, पति के रूप में मिल जाए, तो दोनों पति पत्नी पर्वत मुनि और मैनी मैना बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छा है महादेव जी मिलेंगे, हाँ देवादि देव बोल रहे हैं तो बड़ा ग्रेट होगा, ठीक है जी। तो पार्वती को सलाह दिए पति पत्नी, ए दोनों माता पिता, बोले कि बेटी तपस्या कर देखे, नहीं तो तेरे को अच्छा वर चाहिए ना, तेरे को तपस्या कर, इसलिए आजकल की कन्या को सिखाओ नाम भजन करो, थोड़ा तपस्या करो तो अच्छा पति मिलेगा, जप करो तप करो तो पति अच्छा मिलेगा, मगर पति अच्छा के लिए जप नहीं करना चाहिए। तो खैर जो भी है तो क्या हुआ, पार्वती जी ने क्या किया, अभी तप करने लगी पार्वती जी, तप करने वर्ण ने कितना समय वो तप की, कितना समय वो तप की, पड़ा था भाई
कहीं लाखों युग तक बोल रहे हैं, हजारों युग तक तपस्या कि मैं वो नोट दे पता नहीं कहाँ पर है, मैं भूल गया, कहीं हजारों युग तक तपस्या हुआ। तपस्या होने के बाद महादेव जी बोले कि क्यों तपस्या कर रहे हैं इतना, क्या चाहिए? बोले आप मुझे पति के रूप में, आप मुझे ग्रहण करिए, मेरा पानी ग्रहण करिए। महादेव जी ठीक है, आपकी घर वाले तैयार है तो हम। फिर महादेव जी को पहले एक्चुअली भगवान कृष्ण बोले थे कि महादेव जी एक उचित कन्या है, आप उनको विवाह करो। बोले कौन है? बोले पार्वती। मुझे किससे विवाह नहीं करनी, मेरे एक पत्नी हुई है सती, वो अभी नहीं रही, बस अभी अच्छा है, पत्नी नहीं है, भजन अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं करनी। भगवान बोले मेरा इच्छा है आप विवाह करो, वो भी चाहती है आप। बोले प्रभु देखो मेरा भजन में बाधा होगा, विवाह करूंगा घर से, बोले कुछ नहीं होगा, मैं मेरा कृपा पूरा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भक्त होते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। और संत लोग उनका उदाहरण देते हैं, जैसे कमल है पंख में रहती है मगर पंख से बिल्कुल अलग है। कमल कहां से प्रकट होती है? पंख से। इसके लिए पंकज कहते हैं उसको, पंख से जन्म होने वाली कमल। मगर कमल पंख से उत्पन्न तो होती है मगर रहती क्या है? पानी के ऊपर एकदम बिल्कुल पंख से भी अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली संत ऐसे रहते हैं, संसार में होते हैं मगर संसार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे महादेव जी को आशीर्वाद है, बोले कि कोई चिंता नहीं है, पत्नी बिल्कुल जो है आपकी उचित पत्नी है, कन्या है, आप उनको विवाह करो, वो दोनों मिलके भजन करो, मेरा नाम जप, ठीक है। तो पार्वती जी भी तपस्या कर रही थी, महादेव जी बोले भगवान का इच्छा भी है, विवाह करा दे आज की कल कराएं, क्या कराए, टाइम हो गया तो वैसे लेट हो गया, भक्तों को क्या कहते हैं, विवाह आज कराना नहीं करानी है? दुर्गा माता जी विवाह करानी है भगवान का, आज का दिन विवाह का दिन है, कर देना, चलो कर देते हैं, जो भी होगा होगा, देखा जाएगा। तो क्या हो गया? तो महादेव बोले आप घर वाले को पूछ लो। बोले नहीं, घर वाले मुझे बोले तपस्या करने। बोले तब तो ठीक है, फिर हम आते हैं बरजात्री लेके, क्या बोलते हो, बारात लेके आते हैं, तैयार हो जाओ। मुहूर्त मुहूर्त क्या है? जब विवाह करेंगे वही मुहूर्त है हमारा, हाँ जब विवाह करें वही मुहूर्त है, ठीक है। तो बस अभी महादेव जी जो गण थे, चलो भाई हमारे प्रभु का विवाह होने वाला है, भोज मिलेगा, मजा आएगा, नाचेंगे गाएंगे ऐस करेंगे, और क्या, वो लोग सोच रहे बस मजा करेंगे हम, अभी महादेव की विवाह है। देवता लोग प्रसन्न है, महादेव विवाह कर रहे हैं, खूब फिस्ट मिलेगा खाने के लिए। ब्राह्मणों को तो फिस्ट का बात करो, खाने का बात करो, प्रसन्न, शादी से कोई लेना देना नहीं, कौन किससे शादी, खाना मिल रहा है कि नहीं बताओ, है कि नहीं। इसलिए हमने देखा बहुत सारे भक्त, कथा चले ना चले नहीं, प्रसाद के टाइम पे प्रसाद मिल जाना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए जी, मंदिर में आते हुए कथा भी सुननी चाहिए। मगर भक्त लोग ऐसा है सीधा प्रसाद के टाइम पहुंच जाते, तो हमको तो प्रसाद मिल जाए, हम तो भाई नहीं, भक्तों को कथा भी सुननी है, भजन और भोजन दोनों है। सिर्फ बिना भजन का भोजन होगा तो आलस हो जाएंगे, है कि नहीं, सही है। तो जो भी है यहाँ पर, मगर देखो क्या हुआ पता है, फायदा किस तरफ है, देवता लोग ना फायदा देखते हैं, महादेव की तरफ रहने से फायदा है कि पार्वती की तरफ, कन्या की तरफ रहे हम कहेंगे, सब विचार विमर्श कर, कन्या की तरफ ज्यादा फायदा है, ज्यादा गिफ्ट आदि मिलेगा, महादेव की तरफ वो बेचारा तो राख लगा के घूमता है, उसकी उसके साथ रहकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिले, इनके साथ रहेंगे ज्यादा मिलेगा, तो हम तो इनकी तरफ रहे। सारी देवी देवता जितना थे प्लान बना के कन्या की तरफ आ गए, महादेव जी बोले कोई एक भी नहीं है, भाई मुझे सजा तो दो भाई, विवाह करने जा रहा हूं, ऐसे भेष में जाऊंगा, भेज तो अच्छा थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा उस दिन तो होनी चाहिए ना, विवाह के दिन, उस दिन भी बैरागी जैसे चलेगा थोड़ी। बाद अभी जो भी उनकी गण थे, कौन गण है उनकी, भूत पिता है, बोले यार हमारे प्रभु ऐसे कैसे जाएंगे यार विवाह करने, और कोई देवी देवता दिख नहीं रहे, आसपास भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? बोले गए वो लोग तो उनकी तरफ, कन्या की तरफ, चलो हम कम थोड़ी ना है, जैसे जैसे होता है, जैसे हमारा अनुभव है वैसे उनको सजा देंगे महादेव को। बोले प्रभु आप बैठ जाओ, हम सजाते हैं आपको, दूल्हा को सजाते हैं ना, हमारा अनुभव नहीं है, हम जो पढ़े वो बता रहे हैं। तो
तो सजाने के लिए बिठाए। महादेव जी लेके क्या सजाना, चलो ऐसे निकलते। बोले प्रभु आज के दिन ऐसा मत करो, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। महादेव, महादेव के टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। महादेव जी बोले चलो थोड़ा सा, बोले सजना इतना टाइम का है, ऑलरेडी उधर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा विवाह में फालतू का, अभी सजने सजने में भी टाइम नहीं, ऐसे चलो। बोले प्रभु थोड़ा शरीर को देख लो आईना के सामने, होलिया तो देखो। बोले अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करना है, शादी तो करना है, विवाह ही तो होगी। नहीं नहीं प्रभु, हमारा आज का दिन तो रिक्वेस्ट मान लो। चलो विवाह का दिन चलो। बोले क्या करे महादेव, आज आपको स्नान करनी पड़ेगी अच्छे से। सब तमाशा मत करो, फिर मैं नहीं मानूंगा, विवाह का बात है, विवाह होगी, स्नान मान का चक्कर में। महादेव प्लीज स्नान तो कर लो प्रभु। नहीं करना है मुझे टाइम इतना स्नान करने के लिए, यो गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, ये करो, हंगामा करो। बोले चलो कोई बात नहीं है, बोले आप थोड़ा बैठ जाओ। वो वहां पर जितना भी शमशान था आसपास सारे 50 लोग, बोले चलो भाई लोग कम थे, लेकिन हमारे हमारा पार्टी कम दिख रहा है यार, ज्यादा पार्टी चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए। जब जा रहे हैं ना क्या बारात में, वार्ड भूल जाता हूँ, बारात में जब जाते थोड़ा हमारा तरफ थोड़ा होना चाहिए ज्यादा लोग। कितना लोग आए देखो बारात में, देखते भी कितना लोग आए भाई आपकी तरफ, ये देखते इसका कितने मीन सगे संबंधी है क्या है, बारात देखा जाता है। बोले यार कम लोग होंगे तो वहां पर बेइज्जती होगी, हमारा प्रभु का बेइज्जती होगी, मीन्स हमारा बेइज्जती होगी, नहीं हमारा तो ज्यादा टीम चाहिए। तो ये लोग सबको व्हाट्सअप कर दिया, ग्रुप मैसेज डाला। बोले भाई जहां जहां भूत पिशाच जहां जहां जो जो ब्रह्मांड में सब आ जाओ फटाफट, सबको व्हाट्सअप मैसेज फोन कॉल, किनको कॉलिंग में बिठा दिए, किसको मैसेज में बिठा दिए, किसको फेसबुक में पोस्ट करने में, सबको बिठा दिया अलग अलग। सब लोग ने डालते रहे अरे आ जाओ महादेव का आज हमारे प्रभु का आज तो विवाह है। सारे जितना भी अलग अलग ब्रह्मांड सारे भूत पिशाच इकट्ठा हो गए, इनका बढ़ गया, वो तो कम है 33 करोड़, इनका ज्यादा हो गया, बहुत हो गए इनके पास। बोले अभी बराबर है, सब बड़ा विचित्र धड़ का नंग धड़ंग बिल्कुल, कोई तो किसका सर नीचे आए, किसका पैर ऊपर है, भूत पिशाचों का स्थिति ऐसे ही है, किसी का हाथ है तो किसका पैर है, तो किसी का पैर नहीं है तो किसका हाथ नहीं, किसका सर नहीं है। कोई अपने कोई ऐसे भी व्यक्ति था सर को अपने हाथ में बॉल खेल रहे अपने सर को, फिर वापस लगा देता, उठाता वापस खेलता वापस पिशाच, ऐसे थे ऐसे वर्णन आया है, मैं वही बोल रहा हूँ जो वर्णन है। बड़ा विचित्र धड़ का था, कोई पैर चढ़ जाता है, कोई कूदता है, कोई बड़ा विचित्र था इन लोग। खैर हमको भी महादेव को सजाना है पहले बात तो महादेव बोले प्रभु ठीक है। तो सारे लोग को बोले भाई राख ले आओ जितना है, तो बढ़िया बढ़िया मुर्दों का राख जो है, आज भी आप जाएंगे महाकाल में मुर्दों का राख, अजा राख लगाते महादेव जी को। देख महादेव जी का जो वेशभूषा बड़ा विचित्र है, हम समझ नहीं पाए जी। मैं कल क्लास लूंगा, उसमें महादेव जी का वेशभूषा का वर्णन आया है शास्त्र में, क्यों इस प्रकार का भेष है उनका, बड़ा सुंदर बना। आज समय ने आज विवाह का समय तो उनको बोले ठीक है, कम से कम रात में तो आप पाउडर फाउडर तो लगाएंगे नहीं, आप स्नो फ्रोन लगाएंगे नहीं, फेरन क्या फेरन फेरन लवली जो फेरन हैंडसम वगैरह तो आप नहीं यूज करोगे ना, तो चलो नेचुरल आपको ये लगाएंगे पाउडर। वो लगा दिया गया पूरा राख, बाकी भूत लोग बोलते हैं अच्छे से लगाना, हमारे प्रभु सुंदर दिखने मांगता है, बिल्कुल अच्छे लगा। तो पूरा जैसे राख लगा दिया गया, और पूछते हैं कैसे दिख रहे, अरे फर्स्ट क्लास, फोटो लेने के नायक है, तो फोटो लो भाई प्रभु का, एकदम दिखने में चकाचक है महादेव, बहुत फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से महादेव को फिर मुकुट, मुकुट पहनते है ना विवाह में, मुकुट पहनता है, मुकुट पहना कहाँ, मुकुट लेके आएंगे अभी। महादेव जी का जटा को ऐसे घुमा के बांधा इन लोगों ने बढ़िया से, फर्स्ट क्लास मुकुट हो गया, मतलब बढ़िया दिख रहा है, फर्स्ट क्लास मुकुट हो गया। तब महादेव जी नंग धड़ंग कुछ नहीं पहनते, बोले क्या फालतू का ये सब टाइम पास क्या करना है, चलो बोले ऐसे तो मत जाओ, ऐसे मत जाओ, वहां क्या बेइज्जती होगी हमारा, ऐसे मत करो। बोले अभी कहां से कपड़ा लाओगे, सिलने दिए हो, बोले आपने न्यू से आज दिया विवाह करके, पहले बोलते तो सिलने देते, सिलने कहां दिया। बोले फिर रुक जाओ मुर्ग छाल ले आए, बोले इसको तो पहन लो, अरे यार ये क्या पहना दे प्रभु, पहन लो प्लीज कुछ तो पहन लिए, मुर्ग छाल पहन लिए। फिर और सजाना था गले में, बोले प्रभु का गले में सोने का हार पे लाना है, मगर हम कहाँ से लाएंगे, बोले इतना फेर में मत पड़ो, बहुत बहुत सजा दिया, चलो नहीं नहीं प्रभु कुछ तो आपको, चलो ठीक है शंकर सन जी को ले आओ, गले में डाल दिए, शंकर सन यानी सर्प, महादेव जी अपने गले में सांप धारण किए, दिखते मस्त फर्स्ट क्लास।
और वो सांप भी पोज दे रहा था, मेरा भी सेल्फी उठाओ भाई, मेरा भी फोटो उठाओ, सांप भी बढ़िया पोज दे रहा था। तो हो गया, बोले थोड़ा बाजूबंद वगैरह भी बांधनी चाहिए, हैं बाजूबंद बांधते हैं ना, तो हाथ में भी बांधना चाहिए। तो ठीक है, छोटे छोटे सांप के पीले ले आए, बच्चा यहाँ के एक बांध दिया, यहाँ एक बांध दिया, सब सांप के बच्चे बांध दिए। वाह फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया दिखते हैं, चका चक। फिर नुपुर भुपुर, बोले इतना तमाशा मत करो, फिर तो मैं शादी नहीं करना, जाओ मैं जा रहा हूँ भजन करने। बोले प्रभु प्रभु प्लीज प्लीज। तो ठीक है, जैसे तैसे करके मनवा दिए महादेव को। फिर महादेव जी बोले चलो चलो भाई मर्सिडीज ले आओ, महादेव को ले चलते हैं। पहले रथ हुआ करता था, बोले रथ महादेव जी रथ मंगा ले। बोले रथ नहीं चाहिए, हमारा बहाने नंदी है, मैंने कल बताया था स्वयं भगवान नंदी बने थे। बोले कि मुझे नंदी प्रिय है, मैं नंदी में चलूंगा। ठीक है, महादेव जी नंदी में बैठे, त्रिशूल धारण किए, बड़ा विचित्र स्वरूप। आहा महादेव जी अपना सर दस के सारे भूत पीछा सके था। तो अभी बाराती धूम धड़का, खूब नाच रहे कूद रहे, कोई क्या कर रहा है, वो हंगामा कर रहे, और उस तरफ लोग वेट कर रहे हैं। और पार्वती की पिता माता के मन में बड़ा उत्साह था कि हमारा दामाद बड़ा सुंदर होगा, गुणवान होगा, सब होगा, बहुत विचित्र। पार्वती की पूछो आपने देखा है, बोला क्यों, बहुत सुंदर मेरे पति जो होने वाले, तो बस माला लेके खड़े हैं, स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे, बड़े प्रसन्नता थी। महादेव जी बारात ले लेके, तो महादेव के नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ देवता नजदीक जब घर के पास आ गए, कुछ देवता इनके ग्रुप में मिल गए, कम से कम महादेव जी नाराज ना, आपकी ग्रुप में भी है हम, नाच गाना फोटो खिंचवाने आ गए, ठीक फोटो खिंचवाने आ गए, जब भी है तो खूब नाच गाना होके पहुंच गए। तो बस पार्वती के माता पिता तो ढूंढ रहे हैं दामाद जी कहाँ है, अरे बड़े विचित्र इनका पूरा गण है, ये इतने सारे बाराती में आए मगर कोई किसी को पहचान में नहीं आ रहा, बड़ा विचित्र गण। लेकिन कहाँ है दामाद जी, कहाँ है, उनको देखना है, बड़ा उत्साह था, क्योंकि ना नाराज जी बोले थे बड़ा प्रसिद्ध देवाजी देव है, तो बड़ा उत्साह था। तो नंदी से उतर के महादेव जी आ गए, तो पार बोले बाकी भक्त नारद भारत सब थे, ले स्वागत करो दामाद जी आपके हैं। बोले कौन दामाद जी है, ले देखो आपके सामने, कौन ये, बोला ये दामाद है मेरा, पार्वती की माँ, मैं ना वहीं गिर गए बेहोश हो गए, ये एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा उनका वो एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था इनका, कि जीन्स पहन के आएगा, टी शर्ट तो कम से कम होगा ही, चश्मा पहना होगा, टाई बांधा होगा, जो भी थोड़ा उनका कुछ कल्पना अलग थी, मर्सिडीज में बैठ के आएगा, आजकल ऐसे ही दामाद चाहते है ना, हाँ थोड़ा हैंडसम होना चाहिए। अच्छा बिचारे आगे भोलेनाथ बिल्कुल विचित्र धरण का बेस पोशाक लेके वही गिर गई, उनको संभाल रहे थे बाकी उनकी जो भी वहां स्त्री आ रही, नहीं उठो उठी उठी नहीं, पर उठी थोड़ा सा, उनको पानी वानी डाल के जगह, क्या हाथ थोड़ा संभालो, नहीं करनी इसको विवाह, नहीं करानी इनके साथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मना कर दी। बोले कि ऐसा मत करो पूरा, बिल्कुल बराती आ गए आप ऐसे बोलते हो, शादी के मंडप में शादी टूट जाए ऐसे ठीक लगता है क्या, बेइज्जती होगी आप लोग का, मैं कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को तो इसके साथ नहीं विवाह करा, नहीं करानी है बस। महादेव बोलते क्या चर्चा हो रही है, टाइम नहीं है, भजन करनी है, विवाह होने वाली कि नहीं हो, महादेव जी बड़ा, अरे विवाह होगा तो जाके भजन करनी है, तो लोग चर्चा कर, वो तो मना नहीं करनी इसको, तो समझा बोले नारद जी समझाए ये ऐसे ने, फिर उनका गुण बताया महादेव जी का गुण बताया, आपको बाहर से आप देख रहे हो, आप बाहर से मत देखो इनका रूप, अंदर से देखो कैसे है, उनका गुण बताया, तितिक्षवा सहनशीलता में इनके ऊपर कोई है नहीं, महादेव का गुणगान किए भक्त लोगों ने, समझाते ना, कभी कभी नाराजगी हो जाती तो बिठा के समझाना पड़ता है, ऐसे मत करो, कभी कभी दहेज अगर कम हो गए, नहीं नहीं कराना है शादी, दहेज कम होगा ना, समझाते अरे कोई नहीं आज नहीं तो कल दे देंगे पेंशन, होती है ऐसा, तो यहाँ पर भी समझाया जा रहा था, खास करके पार्वती की माँ बड़ा दुखी थी बेचारी, तो पार्वती बेटी तो पसंद है, इतना फेर में क्यों पड़ना है पता नहीं, वही रहेगी जीवन भर उनके साथ में, आप इतना फेर, अच्छा जो भी है उनको समझाया जा रहा था उनका गुणों का पता है। वो गुण सुन के तो पार्वती की माँ की तुम कभी कभी इतने गुण है ऐसे है, लेकिन नहीं बहुत सुंदर है, आपको बाहर से दिखने में ऐसे दिखते मगर हृदय से बड़े कोमल है। चलो ठीक है फिर तो विवाह हो जाए, फिर तो विवाह हो जाए, तब वहां पर विवाह हुआ, कीर्तन महादेव जी लेके कोई सिनेमा का गाना नहीं लगाएगा, सब हरे कृष्ण गाओ, सब लोग नाम जपना, सब कीर्तन दो लोग मृदंग लेके सब कीर्तन करने लगे, महादेव जी का विवाह हो गई, विवाह में ब्रह्मा जी
इंद्र चंद्र वरुण स्वयं भगवान वहां पर, क्यों ना भगवान नहीं तो बोले थे। देखो वहां पर सारे लोग, बहुत बड़ा व्यक्ति का विवाह होता है तो सब बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं वहां, तो सारे लोग वहां पहुंचे और महादेव जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और ये सब घटना होते होते पूरा रात बीत गया, सब लोग कीर्तन करके रात बिताए, विवाह हुई। ठीक है, तो विवाह होने के बाद महादेव जी बोले चलो चलते हैं, तो बेटी को ले जाते हैं ना, थोड़ी ससुराल में रहना है। महादेव जी का विवाह हुआ तो रात भर उनके जो गण थे, देवी देवता सब जागे थे महादेव जी के विवाह के लिए। और विवाह के बाद महादेव जी से सब आशीर्वाद लिए, जो बुजुर्ग थे आशीर्वाद दिए, दोनों का आशीर्वाद, वर वधु का आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, जो छोटे होते हैं आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद लिए। इस प्रकार से विवाह आदि संपन्न हुई, महादेव जी पार्वती जी अपने जगह में चले गए, कैलाश में चले गए, और बाकी सब लोग भोज भोज खा के गिफ्ट विफ्ट लेके फर्स्ट क्लास अपने अपने जगह में चले गए। इसके लिए ये जो शिवरात्रि होती है, ये भगवान महादेव का विवाह का दिन है। रात जागरण इसके लिए होती है, सिनेमा का गाना बजाकर नाचने के लिए बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए होती है कीर्तन करके जागना है, महादेव को प्रसन्न करना है। जागरण करिए मगर कीर्तन करके, नाम जप के, भागवत पढ़ के जागरण करें। हमने एक गाँव गए थे कल, तो कोई महादेव जी का नया मंदिर के लिए स्थापना किए हैं, शिवलिंग रखे हैं, छत में कुछ ने जस्ट चेक करके, धूप कड़क है 12 बजे का समय, और उसके बाजू में एक वो टेंट बांधा हुआ है, 5-6 लड़कियां 8-10 लड़के सिनेमा का गाना लगा के नाच रहे। मतलब कितना दुर्भाग्य लोगों का हो, एक तो महादेव जी को धूप में रखा, मैं तो ये आश्चर्य लगा, महादेव जी के ऊपर छत नहीं था, ये लोग पंडाल के नीचे नाच रहे ही लोग, कितना ये लोग, महादेव को प्रेम था कोई, और सिनेमा का गाना महादेव को पसंद होगा बिल्कुल भी ना। और आजकल मंदिरों में जाइए, ज्यादातर जो मंदिरों में ना पिक्चर का गाना लगाते हैं, डीजे लगा के नाचते हैं, रात भर जागते हैं, मगर दारू पी के एक तो तर्क देते हैं महादेव जी नशा के, दूसरा तर्क देते हम रास खेल रहे, महादेव जी की शादी में नाच रहे, एकदम बेवकूफी है ये, ऐसा बिल्कुल महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, महादेव तो श्राप दे देंगे इस प्रकार के लोगों का, नरक चले जाएंगे ऐसे लोग जो महादेव के सामने इस प्रकार करेंगे। महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो, हरि नाम संकीर्तन करो खूब। तो आज बड़ा पवित्र दिन है, जो जागरण कर रहे हैं आज के दिन बिल्कुल करिए, मगर नाम जप के आज रात के ना, जिस दिन विवाह हुई उस दिन होती है ना विवाह, विवाह में तो टाइम चला गया रात भर, तो आज की रात शिवरात्रि रात्रि है आज, तो जागरण करते हैं हजम कर सकते हैं। तो खैर, भक्त भगवान इनका लीला अनंत है, कभी समाप्त नहीं। तो खैर, हम 2 दिन का आपको बताए थे, मगर हमारा 2 दिन में तो हुआ ही नहीं, और भी बहुत लीला है, तो हम कल शाम को भी हमारे काउंसलिंग क्लास ना करते हुए हम महादेव का ही लीलाओं को चर्चा करें, चलेगा आप लोगों को कल शाम को 6:30, 6:30 कल शाम को, कि 6 बजे रखे, 6:30 कौन सा कंफर्टेबल आप लोग को, मैसेज में लिख दो कौन सा कंफर्टेबल है, कम से कम मुझे मेजोरिटी जो टाइम बोलेंगे वो टाइम में करेंगे। हाँ जी, लेट सही है।